हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी गाइस। तो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आई वेलकम यू इन दिस सेशन। आज हम डिस्कशन करेंगे बर्च रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ये एल्काइन की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें एल्काइन से ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इन दिस रिएक्शन ए ट्रांस एल्कीन इज फॉर्म्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिजोल्विंग मेटल रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम डिजोल्विंग मेटल रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है। हमारे पास एक एल्काइन है, टू ब्यूटाइन। एल्काइन की रिएक्शन जब सोडियम या लिथियम मेटल के साथ करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो हमें एक ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन मिलता है। देखिए यहाँ पे ये जो एल्कीन है, इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से ट्रांस पोजिशन पे जुड़े हैं। तो इस रिएक्शन में ध्यान रखने वाली बात क्या है, इस रिएक्शन में हमें बहुत ही लो टेम्परेचर का यूज़ करना है। जैसे कि हमें माइनस के 78 डिग्री सेल्सियस का यूज़ किया है। इसी के साथ जब एल्काइन की रिएक्शन होगी सोडियम या लिथियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो फाइनली हमें एक ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन मिलेगा। इस रिएक्शन के हम प्रैक्टिकली यदि बात करें तो हमारे पास ये एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर देख रहे हैं आप, जब अमोनिया में सोडियम मेटल को मिक्स करेंगे तो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। उसकी रिएक्शन हम जब एल्काइन के साथ करवाएंगे तो फाइनली एक ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन मिलता है। तो इस रिएक्शन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना है कि इस रिएक्शन में वाई ट्रांस एल्कीन इज फॉर्म्ड। इस रिएक्शन में सिस एल्कीन का फॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ, एक ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन क्यों होता है, ये सब जानने के लिए हम रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखते हैं। यदि हम रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो जैसे कि हमने देखा है कि जब सोडियम मेटल को अमोनिया में डिजोल्व किया जाता है तो ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलता है। तो ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलता है ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलता है। जो अमोनिया का सोल्यूशन है उसमें सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एक रिएक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसी के साथ सोडियम कटायन का फॉर्मेशन होता है। जो अमोनिया का सॉल्यूशन है इसमें हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। इसी के साथ ध्यान से देखना, जो हमें एल्काइन यूज की है उसका ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन एटम है, इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन की होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम sp2 या sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, बिकॉज इन दिस कार्बन एटम देयर आर मोर s कैरेक्टर। अब ध्यान से देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होगा। ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो सोल्यूशन में अमोनिया के सोल्यूशन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन एटम की ओर अट्रैक्ट होंगे, जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन एटम पे जाके ऐड हो जाएगा। जैसे ही ये जो एल्काइन का कार्बन एटम है इस पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, जिससे अपने ऑक्टेट को फिर से कंप्लीट करने के लिए ये जो पाई बॉन्ड है, ये वीक पाई बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएगा। ये इस तरह से ब्रेक होगा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन एटम एक्सेप्ट करेगा और जो राइट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, पाई इलेक्ट्रॉन थे, शेयरिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था। तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन अपने अपने कार्बन एटम पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा शेयरिंग का, उसी के साथ राइट हैंड साइड वाला कार्बन एटम अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। इसी के साथ जो राइट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है उसने सोल्यूशन से भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आता है। इसी के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन सोडियम मेटल से लिया है, इसी के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो ये पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग से इस कार्बन एटम को मिला है। इसी के साथ यदि हम लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन एटम की बात करें तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने फिर से एक्सेप्ट कर लिया, जिससे यहाँ पे एक रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान से देखना किस तरह से यहाँ पे ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन मिलेगा, वाई सिस एल्कीन इज नॉट फॉर्म्ड। तो इसके लिए ये जो रेडिकल एटम है, कार्बन एटम है, ये जो रेडिकल है इसी के साथ जो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन एटम है, इनके ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यदि ये सेम साइड में लाई करेंगे तो दोनों के बीच रिपल्शन होगा। तो इस रिपल्शन को कम करने के लिए ये दोनों ट्रांस पोजिशन पे लाई करते हैं। ये जो रेडिकल है ये इस पोजिशन पे लाई करेगा, इसी के साथ ट्रांस पोजिशन पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे राइट हैंड साइड वाले कार्बन एटम के ये लाई करेंगे। अब इन दोनों के बीच कोई भी रिपल्शन नहीं है या बहुत ही मिनिमम रिपल्शन है, जिसकी वजह से एक ट्रांस फॉर्मेशन मिलता है हमें। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दोनों एक दूसरे से ट्रांस पोजिशन पे हैं। सो इस वे में हमें ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन मिलेगा, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज इन दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच सिस पोजिशन में
रिपल्सन है, जो कि एक स्टेबल कंडीशन नहीं है रिएक्शन के लिए। अब रिएक्शन के नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, ये जो कार्बन एटम है नेगेटिव चार्ज वाला, ये बहुत ही रिएक्टिव कार्बन एटम है, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन में हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया के हाइड्रोजन एटम पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज आएगा पार्शियली नाइट्रोजन एटम पे, बिकॉज नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन एटम से ज़्यादा है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन एटम वाला, ये हाइड्रोजन एटम पे अटैक करेगा, उसी के साथ हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला जो पुराना बॉन्ड है ऑब्वियसली ये ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से NH2 आयन बाहर निकल जाएगा और इसी के साथ यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ये एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब देखना, इस कार्बन एटम ने तो अपनी वैलेंसी फिर से कंप्लीट कर ली, यहाँ पे कार्बन ने चार बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है इसके पास एक रेडिकल है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि रेडिकल बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, जिससे ये यहाँ पे फिर से ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो सॉल्यूशन में सोडियम मेटल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स थे, ये फिर से जाएगा और इस कार्बन एटम पे रेडिकल वाले पे जाके अटैच हो जाएगा। जैसे ही इस कार्बन एटम को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जिससे एक नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बट कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज है। फिर से ये जो कार्बन एटम है एक रिएक्टिव कार्बन एटम है, जिससे ये अमोनिया सॉल्यूशन में अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो कार्बन एटम का नेगेटिव चार्ज है, ये इस हाइड्रोजन एटम पे अटैक करेगा और ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और फाइनली जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है ये वाला, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन एटम का एडिशन होता है। तो ये जो हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं एक दूसरे से ट्रांसपोजिशन पे जुड़ते हैं। इसका रीजन हमने प्रीवियसली देखा था, बिकॉज ट्रांसपोजिशन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच रिपल्सन मिनिमम होता है। तो इस तरह से हमें फाइनली एक ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन मिलेगा। तो ध्यान से इस रिएक्शन को समराइज करते हैं, क्या होगा, जो अमोनिया सॉल्यूशन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा सोडियम मेटल और सोडियम कटायन का फॉर्मेशन होगा। इसी के साथ अमोनिया सॉल्यूशन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे, जिससे एक सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। इसी के साथ जब इस सॉल्यूशन में हम एल्काइन की रिएक्शन करवाते हैं, तो एल्काइन का sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसके वजह से यहाँ पे एक फ्री रेडिकल मिलेगा और पास वाले कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। उसी के साथ ये नेगेटिव चार्ज मोर रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन एटम पे अटैक करेगा और इस कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम का एडिशन होगा। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कार्बन एटम है इस पे भी एक रेडिकल है, ये फिर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर से एक हाइड्रोजन एटम के साथ एडिशन करेगा और फाइनली इस तरह से हमें ट्रांसपोजिशन पे दोनों हाइड्रोजन एटम का एडिशन मिलता है और जो एल्काइन का पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है। तो गाइस, इस रिएक्शन में हमें इस तरह से एक ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन मिलता है। तो इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इट इज क्लियर दैट व्हाई ए ट्रांस एल्कीन इज फॉर्म्ड। सो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटिव हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, जिसमें एल्काइन की रिएक्शन आपको करवानी है सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पे रिएक्शन टेम्परेचर बहुत ही लो टेम्परेचर है, माइनस का 78 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, यहाँ पे बर्स्ट रिडक्शन होगा, ये पाई बोर्ड ब्रेक हो जाएगा और फाइनली प्रोडक्ट में हमें एक ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन मिलेगा। तो इस तरह से हमें एक ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन मिलता है, जिसमें ये दो हाइड्रोजन एटम्स हैं एक दूसरे पे ट्रांस पोजिशन पे ऐड होते हैं। तो हमें क्या करना है, बर्स्ट रिडक्शन करवाना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और फाइनली प्रोडक्ट में एक ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन करना है। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जिसमें सेम एल्कीन यूज हुई है। एल्कीन की रिएक्शन अब हमें करवानी है हाइड्रोजन एटम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटेलिस्ट। तो ध्यान देना, हमेशा जब भी आपको लिंडलार कैटेलिस्ट के साथ रिएक्शन दी हो, तो हमें ट्रांस एल्कीन ना बनवा के एक सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करवाना है। तो यहाँ पे एक सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, उसी के साथ दोनों कार्बन एटम पे हाइड्रोजन एटम का एडिशन मिलेगा। तो यहाँ पे एक सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और जो प्रीवियस एग्जाम्पल था उसमें बर्स रिडक्शन हुआ, वहाँ पे ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन मिलता है। तो कभी भी आपको सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करना है, तो लिडलार कैटेलिस्ट के साथ रिएक्शन करवानी है, और यदि आपको ट्रांस एल्कीन चाहिए प्रोडक्ट में, तो आपको बर्स रिडक्शन करवाना है। सो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टूड इजीली दिस रिएक्शन। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।